हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा जमानत प्रार्थना पत्र की ड्राफ्टिंग किस प्रकार की जाए। जब किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराया जाता है या उस पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है तो ऐसे में उसे जमानत दायर करने का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। जमानत प्रार्थना पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उसमें ध्यान रखना चाहिए न्यायालय का नाम, उसके बाद पार्टियों का नाम का उल्लेख पूरा करें, उसके बाद FIR संख्या, जमानत प्रार्थना पत्र संख्या, इसके बाद थाने का नाम, और उसमें लिखना चाहिए जिस आधार पर आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए उसका उल्लेख करना चाहिए। यदि जमानत दी जाती है तो फरार नहीं होने वाले अभियुक्तों की जमानत में उल्लेख किया जाना चाहिए। जब भी उपस्थित होने के लिए आरोपी को कहा जाएगा तो वह न्यायालय में उपस्थित होगा, ये बातें आवश्यक रूप से लिखी जानी चाहिए। और आवेदक को जमानत प्रार्थना पत्र या प्रायरोकाल जो होता है उसके आवेदन पर और शपथ पत्र में साइन करने चाहिए। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ एक शपथ पत्र जरूर देना होता है। जमानत की अर्जियाँ 3 प्रकार की डाली जाती हैं। पहली जमानती अपराध में जमानत प्रार्थना पत्र जो CRPC की धारा 436 में है, उसके बाद गैर जमानती अपराध जो CRPC की धारा 437 में, उसके बाद अग्रिम जमानत के लिए जो CRPC की धारा 438 में। पहले सबसे पहले आपको लिखना है न्यायालय का नाम, उसके बाद लिखना है जमानत प्रार्थना पत्र संख्या या जमानत प्रार्थना पत्र नंबर, उसके बाद सन लिखना है, इसके बाद लिखना अपराध संख्या दाहिने साइड में, उसके बाद लिखना धारा, थाना और जनपद का नाम, इसके बाद लिखना सरकार बनाम अभियुक्त का नाम, इसके बाद लिखना प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 437 CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता। इसके बाद पक्षकारान की ओर से निम्नलिखित निवेदन है, अभियुक्त का नाम लिखना है, पुत्र सी निवासी लिखना है, उसके बाद जो थाना लगता है वो लिखना है, उसका जनपद लिखना है कि ओर से निम्नलिखित निवेदन है। नंबर एक ये कि पुलिस थाना कि पुलिस द्वारा दिनांक को श्री के साथ मारपीट करने के संबंध में गिरफ्तार किया है। नंबर दो ये कि अभियुक्त को गलत ढंग से फंसाया गया है, वह निर्दोष एवं सीधा साधा आदमी है, उससे कभी भी किसी साथ कोई मारपीट अथवा किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। नंबर तीन ये कि अभियुक्त अपने परिवार में अकेला एवं गरीब व्यक्ति है और किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार बीवी बच्चों का पालन पोषण करता है। नंबर चार ये कि अभियुक्त के पास ना ही कुछ बरामद हुआ है ना ही होना शेष है। नंबर पाँच ये कि अभियुक्त की चल अचल संपत्ति जो उसके पास वर्तमान में मौजूद है उसकी कीमत 1,000 रुपये। ये कि अभियुक्त ना ही किसी गवाहों को बहकाएगा व धमकी देगा, साथ ही किसी प्रकार से मुकदमा विचारण की प्रक्रिया में बाधा पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा। नंबर सात ये कि वाद विचारण पूर्ण होने में काफ़ी समय लगने की संभावना है। ये कि अभियुक्त माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित जमानतें प्रस्तुत करने को तैयार है, उसके बाद प्रार्थना लिखना है, अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित करने की कृपा करें। इसके बाद बाएं साइड में लिखना आपको स्थान दिनांक, इसका लिखना अभियुक्त का नाम, पिता का नाम, निवासी, पता, थाना और जिले का नाम, फिर लिखना है द्वारा अधिवक्ता। इसके बाद दोस्तों आपको एक शपथ पत्र देना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।